नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपने घर वालों का लल्ला और आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। बड़ी खबर गाजियाबाद से। चाइना से कल शाम गाजियाबाद आए कोरोना वायरस को डेंगू हो गया। खबर है कि ये कोरोना वायरस एक कबूतर के पंख पर बैठकर चाइना से गाजियाबाद आया था। गाजियाबाद लैंड होते ही कबूतर एक नाली के पास बैठ गया, जहां नाश्ता कर रहे डेढ़ डेढ़ किलो के तीन मच्छरों ने उसे काट लिया। मच्छरों के काटने के बाद कोरोना वायरस को इतनी ठंड लगी कि वो घबराकर एक मिठाई की दुकान में छिप गया। मगर मुसीबत ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और मिठाई की दुकान में पहले से बैठे 250 मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। भारत आते ही मक्खी और मच्छरों के इस हमले से कोरोना वायरस इतना घबरा गया कि वो चीन जा रहे दूसरे कबूतर के पंख पर लटक गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर वो कबूतर जैसे ही यमुना नदी के ऊपर से गुजरा तो वहां इतनी जोर की बदबू आई कि कोरोना वायरस चक्कर खाकर सीधे यमुना नदी में गिर गया। कोरोना वायरस की लाश यमुना में तैरते हुए कानपुर पहुंच गई, जहां यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को चीन में उसके घर वालों को सौंप दिया है। साथ ही धमकी भी दी है कि अगर दोबारा किसी कोरोना वायरस ने भारत में घुसने की कोशिश की तो उसका यही हश्र होगा। बड़ी खबर बिग बॉस से। खबर है कि बिग बॉस देख रहे दर्शक कुछ ना कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बिग बॉस के इन दर्शकों ने पूरी तरह से खुद को घर में बंद कर लिया है। अधिक बातचीत के लिए सीधा चलेंगे मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के रिंकू जिया के पास, जो खुद व्हाट्सएप पर अपने मोहल्ले की चुगली ग्रुप के एडमिन हैं। रिंकू, क्या हुआ? बिग बॉस के दर्शकों में कैसा फैला ये कुछ ना कोरोना वायरस? रिंकू, डॉक्टरों का कहना है कि टीवी पर लगातार बिग बॉस देखते रहने के कारण इन लोगों को नॉर्मल लोग पसंद आना बंद हो गए थे। बातचीत में 5 मिनट तक कोई गाली गलोच ना करे तो इन्हें घबराहट होने लगती थी। ये लोग कमरे में लगे बल्ब को सीसीटीवी कैमरा समझकर उसमें देखकर बात करने लगे। इन्होंने खुद को सोसाइटी से काटकर बिग बॉस कंटेस्टेंट की तरह खुद को घर में बंद कर लिया। अब ये लोग दिन भर सिर्फ खाना खाते हैं, घर वालों से झगड़ते हैं और कुछ नहीं करते। मेडिकल भाषा में इस बीमारी को कुछ ना कोरोना वायरस कहा जा रहा है। देखिए, हमारी असली चिंता ये है कि एक बार बिग बॉस खत्म हो गया तब इन लोगों का क्या होगा। इसलिए हमने बिग बॉस के सभी दर्शकों के लिए वासेपुर के नाम से शहर बसाने का फैसला किया है, ताकि ये लोग बाकियों को कुछ ना कोरोना वायरस का शिकार न बना। यूपी के कानपुर में कल शाम एक इमारत तेज धमाके से उड़ गई। पहले लगा कि शायद कोई सिलेंडर फटा है, फिर लगा कि शायद पटाखे बनाने की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। मगर भारी खोजबीन के बाद पता चला कि जिस इमारत में धमाका हुआ वो एक पब्लिक टॉयलेट था, जिसे कभी ना साफ करने के कारण वहां जहरीली गैस इकट्ठा हो गई थी। कल शाम किसी ने बीड़ी पीने के लिए जब माचिस जलाई तो माचिस की इस आग से बाथरूम में मौजूद गैसों से धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि बीड़ी जलाने वाले हवा में उछलकर सीधा उस कोरोना वायरस से जा टकराया, जो कबूतर पर बैठकर वापस चाइना जा रहा था।